और थोड़ी देर में अब मैं भी निकलूंगा। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। प्लेस इरिंदूर से 9 किलोमीटर पहले, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, और लास्ट वीडियो मैंने सिर्फ एक मिनट पहले खत्म की थी गियर के अंदर। अभी मैं हॉर्स राइडिंग करूंगा और उसके बाद मैं निकलूंगा अल्ताई के लिए। तो 110 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे ट्रेवल करना है। इरिंदूर फूड इज या फूड हां फूड ये बोल तो गेहूं रहे हो, लेकिन यार थोड़ा अलग टाइप का गेहूं लग रहा है मेरे को। इरिंदूर है वीट वीट इरिंदूर इरिंदूर वीट यस only for horse yes for horse yes yes goat horse yep. Uh-huh. horse riding you huh? Okay yeah stop yeah my horse your horse black horse Good. Good. Yes. Yeah. Yeah. Horse riding. Chew. जिंदगी में पहली बार घोड़े पे बैठा हूँ भाई मैं। इतनी मुश्किल तो नहीं है यार। Black horse. लेकिन भाई इधर दर्द हो रहा है, मतलब Okay. और भला उस बाइक वाले का कि उसने मुझे खराब बाइक दी। अगर खराब बाइक नहीं मिलती तो मैं बाजों से कभी नहीं मिलता और ये वाला एक्सपीरियंस कभी नहीं हो पाता मुझे। नमादिक अभी हम बाजों की जो भेड़ बकरियां हैं उनको रिवर की तरफ ले जाने आए हैं, और शायद उनका आज का खाना पीना हो गया है, वो वापस घर पे जाएंगे। और थोड़ी देर में अब मैं भी निकलूंगा। या पर्पल या कलर कलर या हाई कलर माय योर कलर रेड एंड पर्पल योर गोट रेड अदर इन हां योर गोट हाई इवन हाइडिंग इन कलर हां वन कलर फादर ओह वन कलर फादर वन कलर यू Two colors, my. अब इंडिया जाते सबसे पहला काम है भाई हॉर्स राइडिंग सीखना, बाकी काम बाद में।
Sheep horse. Sheep horse. Sheep horse. Yes. Shepherd. Rally horse. Rally horse. Nadam. Yes. Sheep. Okay. बस आ गए घर की ओर वापस। Yes. Okay. Yeah. Peace. Okay. Yeah. Good. Okay. बैठ। बाजू की मदर ने चावल और किशमिश बनाया, एक एक काइंड ऑफ पुलाव है। बैठ ला। रिश 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 बुदा मंगल दे बुदा राइस बुदा मंगल। बाय बाय पक्का। बाय बाय। थैंक यू कप्पा। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। बैठ ला। Thank you. Bartla. Bye. Let's go. Bye bye. गड़बड़ हो गई थोड़ी, गलत रास्ता आ गया मैं और बाइक भी बंद हो गई थी। सब कुछ कंडम कर दिया है, अब पता नहीं ढंग से चल नहीं रही, हीट ले रही है या फिर पता नहीं क्या कर रही है ये। बाय बाय। भाई इससे ज़्यादा ख़राब रोड तो है ही नहीं, रास्ता मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा।
आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है और जो मेन चढ़ाई थी वो ख़त्म हो गया। बस जो सबसे मुश्किल पड़ाव है इस जर्नी का वो ये है, ये निचाई, और वो भी इस बाइक के साथ जिसके ब्रेक बहुत घटिया हैं। इसको सच में मैं रिकॉर्ड करना चाहूँगा यार। उसके बाद सीधा फिर अल्ताई में जाके मिलते हैं। आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि इस टाइप की बाइक कभी ना लो यार, बहुत वाहियात बाइक है, बहुत ज़्यादा वाहियात बाइक है। अभी जैकेट भी पहनी है मेरे को, तो जैकेट पहन ही लेता हूँ यार, निकाल लेता हूँ। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, सब एक्सपीरियंस। वाह, अब नहीं होगी शायद। पहले गियर में है और पिछला ब्रेक पूरा दबा रखा है मैंने। मैं सच में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कहीं पर भी बाइक चला सकता हूँ। Now I can drive anywhere in the world. यहीं पर गिरा था मैं, हाँ शायद, हाँ यहीं पर गिरा था मैं, आपने देखा होगा। ओहो, दो घंटे से गाड़ी चला रहा हूं और अब जाके पहला व्हीकल आया है ये। भाई फाइनली पहुंच गया भाई सिटी में, पहुंच गया। ये पहुंच गए भाई। वापस अल्ताई आ गया। आपने जो अब तक वीडियो देखी थी परसों शूट की थी, लेकिन उसके बाद रात को मुझे होटल मिलने में बहुत टाइम लग गया था। मैं यहाँ पर पहुंचा, मैंने बाइक वाले को कॉल किया कि भाई तेरी बाइक ले जा। तो उसने क्या किया, दो बंदों को भेज दिया और वो दोनों बंदे एकदम बुरे तरीके से टल्ली हो रखे थे, दारू वारू पी रखी थी उन्होंने। तो मैं उनको बोला कि भाई देखो बाइक की चेन खराब हो गई थी और बाइक में मुझे ऑयल डलवाना पड़ा, इसके मुझे 800 रुपये दे दो, क्योंकि 800 रुपये लग गए थे मेरे, टाइम खराब हुआ, जो मुझे दिक्कत उठानी पड़ी उसके लिए। मैंने उनसे सबसे पहले तो मैंने उनको गंदी तरह सुनाया कि भाई तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, तुमने रुपये के लिए, भाई देखो यार मुझे तो रास्ता नहीं पता था, लेकिन उन्हें तो पता था ना कि रास्ता आगे कैसा होगा और कैसी बाइक दी उन्होंने मुझे। गलती मेरी भी यार, मुझे चेक कर लेना चाहिए, लेकिन अगर मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर देखें ना यार, लेकिन मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर दुनिया नहीं चलती है। तो इन बात का आप आगे से ध्यान रखना। आप खुद सोचिए यार, अगर थोड़ी सी भी अगर आगे पीछे अगर कोई चीज़ हो जाती मैं मर भी सकता था, और उस टाइम तो इनकी भी बाइक भी ख़त्म हो जानी थी ना, कि मैं मर गया तो बाइक थोड़ी बचेगी। लेकिन इन्होंने 2000 रुपये के लिए ना मेरे बारे में सोचा ना किसी की चीज़ के बारे में सोचा। तो
इन बातों का आप ध्यान रखना। और अब मुझे पता चल रहा है कि यार जो स्कैमर्स होते हैं वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना बुरा कर देते हैं कंट्री का। मतलब कि यार रास्ते में आप यूँ सोचिए, रास्ते में कुछ भी नहीं है, 150 किलोमीटर तक सिर्फ एक दो शहर आते हैं, और शहर तो क्या, वो छोटे छोटे गांव आते हैं, बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ना आदमी दिखते भी नहीं है, और वहाँ पर आपकी बाइक ख़राब हो जाए तो आपके मन में क्या विचार आ रहे होंगे भाई। हाँ तो मैंने इनको गंदी तरह सुना है, उसके बाद वो बोलते कि हम रुपए तो नहीं देंगे भाई, चाहे तूने कुछ भी डलवाया हो। ये उस टाइम जब तूने बाइक ली थी उस टाइम टूटी हुई थी, मतलब उस टाइम तो नहीं टूटी हुई थी, लेकिन यार गलती मेरी रहेगी ना भाई। तो मैं बोलता कि नहीं भाई, चलो कुछ भी हो मैंने किया हो, लेकिन तुम मुझे मेरे रुपए दे दो, नहीं मैं बाइक की चाबी नहीं दूंगा। बहुत देर तक बहस वहस होने लग गए हमारे अंदर, मैं गूगल ट्रांसलेट के थ्रू उनको समझा रहा था, क्योंकि मंगोलियन मुझे नहीं आती और अंग्रेजी उनकी तो ख़त्म थी एकदम। तो उसके बाद काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, लोगों के इकट्ठा होने के बाद बात पुलिस तक पहुँच गई। और भाई डेवलपिंग नेशंस के अंदर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पुलिस के साथ फंसो। कई बार आपको अच्छे पुलिस वाले भी मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोस्टली जो पुलिस होती है वो लोकल के प्रेफरेंस ज़्यादा लेती है, जो लोकल से उनके साथ लड़ाई से हमेशा बचे, क्योंकि वो लोकल है भाई। वाके जितना जल्दी हो सके, अगर मान लो किसी से कहा डिस्प्यूट विस्प्यूट हो जाए, तो कोशिश करो कि आप डिस्प्यूट के अंदर ना ही फंसो, क्योंकि पुलिस आपकी लेने देने कर देगी, लोकल आपकी लेने देने कर देगा, और आप अकेले बच जाओगे। तो इसीलिए इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। लेकिन मुझे इस बुरे एक्सपीरियंस के कारण जो और अच्छे एक्सपीरियंस मिले वो बहुत अच्छे थे, तो मेरे लिए इतना बड़ा मैटर नहीं था ये। और अब मैं निकल रहा हूँ उलान बटार के लिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, मुझे इंस्टाग्राम पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बाय बाय।